जय गौ माता। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौ अमृत कृषि दर्शन पे। हाँ दोस्तों, देखिए हमने गौ माता यानी भारत माता का एक वॉल हैंगिंग म्यूरल बनाया हुआ है। देखिए तो आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप भी अपने घर में गौ माता का इस तरह का म्यूरल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप मोल्ड में ऑयल लगा दीजिए, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद एक बात याद रहे, रबर मोल्ड जो होता है ऑयल लगाने के कारण ख़राब हो जाता है, इसलिए कभी भी आप ऑयल लगाए जब आप 2 पीस 10 पीस 15 पीस निकाले उसके बाद तुरंत इसे शैम्पू या साबुन की सहायता से धोकर रख दीजिए, जिससे कि रबर की लाइफ बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा इसमें ऑयल लगा दिया है। आप ऑयल कोई भी ले सकते हैं, बस एक बात याद रखिएगा, जो गाड़ियों से निकलने वाला जला ऑयल होता है वो वाला ऑयल मत लीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने पूरे मोल्ड में ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, मूर्ति आसानी से निकल जाए या म्यूरल आसानी से निकल जाए, है ना। तो चलिए अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। भरने के लिए हमारे को क्या चाहिए, गोबर। गोबर के साथ गोबर, पिसा हुआ गोबर और प्रीमिक्स दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। और इस तरह से डो बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आपको भरना है। पूरे मोल्ड को इधर एक किनारे से आपको चालू करना है और पूरा भरना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से ये गौ माता का जो हमने म्यूरल बनाया हुआ है बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जिस किसी भाइयों को भी अन्य प्रकार के मोल्ड, गौ माता के मोल्ड, फाइबर गौ माता के मोल्ड या किसी भी प्रकार के फाइबर मोल्ड, रबर प्लस फाइबर मोल्ड चाहिए, तो गौ अमृत कृषि दर्शन के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अन्य प्रकार के प्रीमिक्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पूरे मोल्ड को हम भर रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उससे आप ही का फ़ायदा है कि आपको भरना आ जाएगा कि किस तरह से हमको भरना है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरे चारों जो ब्लॉक बना हुआ था, गोल सर्कल बना हुआ था, हमने उसको पूरे से भर दिया है और अच्छे से प्रेस कर दिया है। आप जितना ज़्यादा प्रेस करके भरेंगे उतनी सुंदर गौ माता बन के आएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा गौ माता के जो म्यूरल बनाए थे हमने पीछे से पूरा पैक कर दिया है, भर दिया है, पूरा प्रीमिक्स भर दिया। अब क्या करना है, आपको पीछे वाले भाग को सवान करना है। आपको प्रेस करके इसे चिकनाना है। चिकनाना कैसे, किस तरह से, इस तरह से प्रेस करिए हाथों से, और ये बेलन से प्रेस कर सकते हैं या पीवीसी पाइप से भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप प्रेस करने के बाद पीछे का भाग जो है फ्लैट कर दीजिए। जब भी आप इसे रखें तो ऊपर नीचे ना हो, इसलिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको निकाल दीजिएगा, आसानी से वो निकल भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से है ना, इस तरह से। तो ये जो म्यूरल हमने बनाए हैं, तो ये म्यूरल आप अपने गौशालाओं में, घरों में, कहीं भी लटका सकते हैं, टंगा सकते हैं। बहुत सुंदर म्यूरल ये बना हुआ है। और हमने ये जो छेद किया हुआ है, ये यहाँ थोड़ा एयर रहता है, गर्म एयर, उसको निकालने के लिए किया हुआ है। चलिए निकालते हैं किस तरह से। अब निकालना है मोल्ड से, आपको बताते हैं। कोई भी सादा पेपर ले लीजिए या जाली के ऊपर आप सुखाइएगा, मेन बात जाली के ऊपर सुखाइएगा। देखिए ऊपर का फाइबर आप निकाल दीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह से अब रबर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा खींचिएगा, जिससे कि रबर ढीला हो जाए और आसानी से गौ माता निकल जाए। तो देखिए इस तरह से आपको रबर को खींचना है,
क्या होता है, रबर मोल्ड से प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है और गौ माता भी आसानी से निकल जाती है ना, और फाइबर मोल्ड में थोड़ा तकलीफ जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारी गौ माता बन के तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों गौ माता बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर गौ माता दिख रही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मोल्ड के लिए हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गौ माता।